हाँ, तो लॉर्ड मेटकॉफ को बोलते हैं प्रेस का मुक्तिदाता, क्योंकि लॉर्ड मेटकॉफ ने बहुत सारी प्रेस संबंधी जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया था, इसलिए इनको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस, लिबरेटर ऑफ प्रेस। अब आती बात लॉर्ड ऑकलैंड की। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हुआ। अब इनके लिए, अंग्रेजों के लिए अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों को शुरुआत से लगता है कि अगर अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हमारा राज चलेगा, हम आराम से पूरी दुनिया में राज कर सकेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा जंक्शन पे था, ट्राई जंक्शन पे था, जहां से हम यूरोप और एशिया दोनों पे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और ये बात सच भी है कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जिसने अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया, सेंट्रल एशिया में कब्जा कर लिया, वो पूरी दुनिया में राज करेगा। देखो कि अमेरिका कई सालों तक ट्राई करता रहा कि अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया में कब्जा कर ले, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है उसके लिए, अगर कंटेम्प्रेरी आज की बात करें तो अफगानिस्तान को लेकर के बहुत सारी अलग अलग तरह की नीतियां गवर्नर जनरल अपनाएंगे, अलग अलग गवर्नर जनरल आएंगे और अलग अलग तरह की नीतियां अपनाएंगे। ठीक है, वो नीति आकर पूछता है। और इनके समय में बहादुर शाह जफर समकालीन थे, इनके समय में बहादुर शाह जफर थे, इनके समय में बहादुर शाह जफर थे। तो ये सवाल आ सकता है कि बहादुर शाह जफर या ऑकलैंड के समय कौन सा मुगल साम्राज्य का कौन सा राजा था जो समकालीन था, तो बहादुर शाह जफर समकालीन था। ठीक, और ये देखो अब फॉरवर्ड पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं अफगानिस्तान को लेकर के। फॉरवर्ड पॉलिसी मतलब एग्रेसिव पॉलिसी, कि हमको बढ़ करके एकदम मार काट करके अफगानिस्तान पे कब्जा करना है, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हैं, तभी तो युद्ध होता है, फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है। उन्होंने अपनाई फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी। तो अक्सर सवाल आता है कि लॉर्ड ऑकलैंड ने अफगानिस्तान की नीति पर कौन सी पॉलिसी अपनाई। इन्हीं के समय में डेथ ऑफ रणजीत सिंह, रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है, इन्हीं के समय में रणजीत सिंह की डेथ हो जाती है और सिख एम्पायर अब बहुत कमजोर हो जाएगा, सिख साम्राज्य बहुत ही कमजोर हो जाएगा इनकी डेथ के बाद, 1839 में इनकी डेथ हो जाती है। तो आगे अब चलते हैं, डेथ ऑफ रणजीत सिंह के बाद क्या होता है, फराइजी आंदोलन शुरू होता है। फराइजी आंदोलन 1838 में शुरू होता है, हाजी सरायतुल्ला और उनके बेटे दादू मियां चलाते हैं इस आंदोलन को। क्यों चलाते हैं, और ये पहली बात, ये आंदोलन राजनीतिक और धार्मिक दोनों होता है। एक आंदोलन कहाँ पे चलता है, बंगाल के अंदर, ये आंदोलन चलता है बंगाल के अंदर। और ये धार्मिक इसलिए होता है क्योंकि इस्लाम के अंदर फराइज होते हैं उसको फॉलो करने के लिए बोलते हैं मुसलमानों से, तो एक तरह से मुसलमानों में या इस्लाम में शुद्धिकरण की बात करते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक इसलिए क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का जो बहुत ही हरासमेंट वाला रूल था और जो जमींदारी व्यवस्था वगैरह लागू कर दी गई थी, तो उससे भी ये नाराज थे। ठीक है, जमींदारों से भी नाराज थे, इसलिए ये एक तरह से राजनीतिक और धार्मिक दोनों विद्रोह था। ये 1838 में था और हाजी सरायतुल्ला और दादू मियां इनके बेटे इस विद्रोह को वो किए थे, लीड किए थे। इसके समय में ही, इनके समय में ही कूका रिवोल्ट भी शुरू हुआ था 1840 में। ये अभी चल रहा है लॉर्ड ऑकलैंड का ही समय, कूका रिवोल्ट चल रहा था 1840 में, भाई भगत जवाहर बल, भाई भगत जवाहर बल इसके नेता थे। और सेम कूका रिवोल्ट 1872 में चलता है, मतलब यही रिवोल्ट, मतलब इसके लीडर तो मर जाते हैं लेकिन इसके फॉलोअर जो होते हैं वो आगे चलाते हैं। कूका रिवोल्ट भी धार्मिक और राजनीतिक विद्रोह था, राजनीतिक वही सेम कि ब्रिटिशर्स को भगाना यहाँ से, ठीक है, उनकी जो व्यवस्था है यहाँ पे बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, और दूसरी तरफ वो अपने सिख धर्म में शुद्धिकरण की बात करते हैं कूका रिवोल्ट। चलते हैं लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड एलनबरो की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी, इनके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इनके समय में गुलामी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। गुलामी व्यवस्था को खत्म करने के लिए एक अधिनियम पास हुआ जिसका नाम है भारतीय गुलामी अधिनियम 1843, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843। ठीक है, इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843, अबॉलिश स्लेवरी। इसके बाद सिंध पर, इनके समय में सिंध पर कब्जा कर लिया गया, एनेक्स कर लिया गया सिंध को, और चार्ल्स नेपियर को पहला गवर्नर बना दिया गया। ये सवाल सीडीएस में आया था, प्लासी टू पार्टीशन की बुक में दे रखा है। ठीक
ठीक है, सिंध पर कब्जा किया गया और चार्ल्स नेपियर इसके पहले गवर्नर बना दिया गया। ठीक, तो इनकी क्या पॉलिसी रही अफगानिस्तान को लेकर के, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, मास्टरली इनएक्टिविटी मतलब कूटनीतिक निष्क्रियता अफगानिस्तान को लेकर के, मतलब हम अफगानिस्तान को पूरी तरह से रेजिस्ट तो करेंगे लेकिन किसी तरह किसी वॉर में इंगेज नहीं होंगे, किसी युद्ध में इंगेज नहीं होंगे उसके साथ। ठीक है, तो ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है, मास्टरली इनएक्टिविटी। इसके बाद आगे चलते हैं, तो लॉर्ड आएंगे, लॉर्ड हार्डिंग वन अलग है, लॉर्ड हार्डिंग टू अलग है, वो आएंगे 1910 में, लॉर्ड हार्डिंग टू जिनके ऊपर बम मार दिया जाता है वो लॉर्ड हार्डिंग वन है। ठीक है, इन्होंने मानव बलिदान को खत्म किया, बहुत सारे जनजातियां ऐसी थी जो ह्यूमन सेक्रीफाइस करती थी, ठीक है, उसको खत्म किया लॉर्ड हार्डिंग वन के समय में, इन्होंने खत्म किया। और इनके समय में फर्स्ट एंग्लो सिख वार होता है, फर्स्ट एंग्लो सिख वार होगा। और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की जाएगी 1846 में, ठीक है। दिलीप सिंह वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब इन दोनों के बीच में साइन की जाएगी, दिलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में साइन की जाएगी। हमने बताया भी था दिलीप सिंह बाद में जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं और अंग्रेज इनको सपोर्ट भी बहुत करते हैं। ठीक है, वो पर एंग्लो सिख वार हो चुका है अलग लेक्चर में। और इन्होंने, ये अच्छा सवाल है, इन्होंने सबसे पहली बार रेलवे की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बोला था कि रेलवे भारत के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, रेलवे की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया था, एज इट इज सवाल पेपर में आया था। ठीक है, किसी स्टेट के एग्जाम में आया था कि वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने रेलवे की व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, प्रस्ताव रखा उसका। ठीक है, प्रस्ताव रखा, तो किसने रखा, लॉर्ड हार्डिंग वन ने, और उसमें ऑप्शन डलहौजी भी था, इसलिए डलहौजी आंसर नहीं होगा, बहुत ध्यान से पढ़ के आंसर मानने लायक होता है वरना गड़बड़ हो जाती है। फिर इसको आएंगे लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 के बीच में, इनका असली नाम होता है जेम्स एंड्रयू रामसे। इनकी नीति होती हड़प की नीति, क्या कहती है, ये कहती है कि अगर कोई भी राजा या कोई नवाब जिसका वैध उत्तराधिकारी नहीं है, वैलिड सक्सेसन नहीं है या बायोलॉजिकल हीयर नहीं है, तो वो अपने दत्तक पुत्र को शासन व्यवस्था नहीं सौंप सकता है, उसको ब्रिटेन गवर्नमेंट हड़प लेगी, अपने साम्राज्य में मिला लेगी। एकदम सीधी सी बात ये बोल दिया। ऐसे बहुत से नवाब थे, ठीक है, जिनके साथ ये समस्या थी। ठीक है, तो उन लोगों ने वो किया, विद्रोह किया। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पूछता है कि किसको किसको हड़पा गया, सीक्वेंस बताइए। तो इसका एक वो ट्रिक है, सतारा की जय, जय मतलब जैतापुर, सतारा मतलब सतारा, सबसे पहले हड़पा गया किसको, सतारा, जय मतलब जैतापुर को हड़पा गया, फिर भागा मतलब भगाट या भगोट। ठीक है, ये है भगोट, उसको उदयपुर, और इन झांसी मतलब झांसी। तो सतारा की जय, भागा, उदय, इन झांसी, सतारा की जय, जय मतलब जैतापुर, सतारा की जय, भागा, उदय, इन झांसी, सतारा, जय मतलब जैतापुर, भागा मतलब भगोट, उदय का उदयपुर, इन झांसी। ठीक है, ये पूरा हो गया सीक्वेंस में। इसीलिए इसको बोला जाता है अंग्रेजों का अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय में हुआ, अंग्रेजों का अंतिम विस्तार, प्रमुख स्तर, बहुत ही बड़े स्तर पे जो विस्तार हुआ वो हुआ किसके समय में, डलहौजी के समय में बहुत बड़ा विस्तार हुआ इसी हड़प की नीति की वजह से। सबको हड़पते चले गए, बड़े बड़े सूबों को, प्रोविंसेस को हड़पते चले गए, तो इनका विस्तार बढ़ता गया। इनके समय में दो संस्थाएं आई, एक है लैंड होल्डर सोसाइटी, ये जमींदारों की संस्था थी, ठीक है, लैंड होल्डर सोसाइटी, और द्वारकानाथ टैगोर 1837 में इसको एस्टेब्लिश किए थे, द्वारकानाथ टैगोर ने एस्टेब्लिश किया था। और एक सोसाइटी वाली ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
विलियम एडम ने बनाया था, लैंड होल्डर सोसाइटी एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है, विलियम एडम ने बनाया था, विलियम एडम ने बनाया था। इन दोनों को मर्ज कर दिया जाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया जाता है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया जाता है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1851 में। तो लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिला के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना दिया जाता है, कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1851 में। इन्हीं के समय में परमहंस मंडली बनती है, परमहंस मंडली बनती है, ठीक है, परमहंस मंडली बनती है, कौन बनाता है? दादोबा पंडोरंग बनाते हैं 1849 में मुंबई में, 1849 मुंबई में, 1849 मुंबई में दादोबा पंडोरंग परमहंस मंडली बनाते हैं। इन्हीं के समय में एंग्लो सिख वार होगा, सेकंड एंग्लो सिख वार होगा, इनके समय में सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ था, पहला हुआ था किसके समय में? लॉर्ड हार्डिंग के समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, और इनके समय में होगा एंग्लो सिख वार, सेकंड एंग्लो सिख वार, और इनके समय में ही सेकंड एंग्लो बर्मीज वार होगा, सेकंड एंग्लो बर्मीज वार होगा। और ये बहुत फेमस सवाल है, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई 1853 में, पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई इन्हीं के समय में, इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन रेलवे। पहला टेलीग्राफ लाइन चला गया डायमंड हार्बर से कलकत्ता, ठीक है, डायमंड हार्बर से कलकत्ता। इन्होंने आधुनिक डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी, इसके लिए पोस्टल ऑफिस एक्ट आया था 1854 में, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम की शुरुआत हुई थी इसके बाद। और गंगा कैनाल ओपन किया गया था, का इनॉग्रेशन हुआ था, गंगा कैनाल बनना शुरू किया गया हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में, वो मत याद रखो, लॉर्ड हार्डिंग के समय में गंगा कैनाल बनना शुरू हुआ था, लेकिन इसका जो इनॉग्रेशन हुआ वो 1854 में गंगा कैनाल। हाँ, तो समर कैपिटल किसको बनाया? शिमला को बनाया, समर कैपिटल मतलब गर्मियों के दिन में वो शिमला में रहेंगे, समझ लो। ये लोग आए थे जो यूरोप से, यूरोप पूरा ठंडा प्रदेश है, तो इन लोगों का थी नहीं यहाँ की इतनी गर्मी झेलने की, इसलिए इन्होंने बनाया क्या, शिमला को अपनी एक राजधानी बनाया, समर कैपिटल बनाया, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया शिमला को। इनके समय में संथाल रिवोल्ट हुआ 1855-56 के समय में, सिंधु कान्हू इसके नेता थे, संथाल रिवोल्ट हुआ झारखंड के आसपास के एरिया में, वही सेम प्रॉब्लम थी, जमींदारी व्यवस्था को बहुत बुरी तरह से लागू किया इन लोगों ने, तो वहां के जो जनजाति लोग थे वो बहुत बुरा मान गए, वो हो गए उखड़ गए, और उन लोगों ने रिवोल्ट किया, उन लोगों ने विद्रोह किया, ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में सिद्धू कानू के द्वारा, और इन्हीं के समय में वुड्स डिस्पैच आया 1854 में, ये भी शिक्षा के लिए था, हमने बताया 1835 में एक्ट आया था मैकॉले मिनट, ठीक है, वहाँ पे डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात की गई थी, ये पढ़ा चुके हैं, मतलब कुछ लोगों को वो देना है, एजुकेशन देना है, अंग्रेजी शिक्षा देना है, ठीक है, ताकि वो देखने में भारतीय हों लेकिन सोच में कैसे हों, अंग्रेज हों। वुड्स डिस्पैच जो आया 1854 में, इसने पहली बार मास एजुकेशन की बात करी, मतलब बड़े स्तर पर सबको शिक्षित किया जाए, ये पहली बार बात हुई किसमें, वुड्स डिस्पैच में, और इसी के बाद तीन बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी, जिसको याद किया मैंने, बीएमसी से बॉम्बे मद्रास एंड कलकत्ता। जगह कम पड़ गई इसलिए थोड़ा सा खोज हो गया। और चार्टर एक्ट आया इनके समय में, चार्टर एक्ट आया अठारह सौ तिरपन का इनके समय में। अब चार्टर एक्ट 1853 थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है, इसके जो मेन प्रोविजन है, प्रावधान है, वो देखेंगे।